लल्लू भाई ने बॉक्स ऑफिस पर दो मेजर हिट फिल्म्स क्या दे दी, उनका दिमाग तो हो गया ब्लोट। हाल ही में रेडी फिल्म के शूट के दौरान सलमान ने डायरेक्टर अनीस बाजमी को इस तरह बेइज्जत किया कि अनीस बाजमी बैंकॉक से फिल्म का शूट अधूरा छोड़कर मुंबई आ गए। सलमान शायद समझते हैं कि हर फिल्म उनके दम पर ही चलती है। पहले भी सल्लू भाई ने डायरेक्टर अभिनव कश्यप को दबंग के सक्सेस के लिए खास क्रेडिट नहीं दिया। सलमान के एरोगेंट एटीट्यूड से तंग आकर अभिनव कश्यप ने अपने आप को दबंग 2 से अलग कर दिया। सल्लू भाई अगर अपने बातों से किसी को नहीं समझा सकते तो वो हाथापाई पर जरूर उतर आते हैं। अपेरेंटली फिल्म तेरे नाम के शूट पर डिस्प्यूट होने पर सलमान ने डायरेक्टर सतीश कौशिक को थप्पड़ मारा था। सलमान ने तो सुभाष घई जैसे वेटरन डायरेक्टर के साथ भी उनके पार्टी में बदतमीजी की थी। दबंग और वांटेड के सक्सेस के बाद सलमान इज जस्ट आउट ऑफ कंट्रोल। सल्लू भाई ने संजय लीला भंसाली को तक नहीं छोड़ा, उनका भी मजाक उड़ाया। आखिर सलमान इतने सारे दुश्मन क्यों बना रहे हैं? क्या कटरीना का गम उन्हें इतना सता रहा है? What would you advise him to me? सलमान हमारी फिल्म इंडस्ट्री में चलती है भेड़ चाल, लोग आपका साथ देंगे जब तक गलेगी उनकी दाल, एक फ्लॉप के बाद आपका साथ छोड़ देंगे जैसे आपके सर के झड़ते बाल।